जैन फ्रेंड्स, मैं हूं आर्मी रिटायरमेंट मनोज सिंह, वर्तमान में फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज थोड़ा माफी चाहूंगा, आंखों में चश्मा पहना हुआ है क्योंकि थोड़ा आंखों में स्वेलिंग आ गई है। चलिए, ये अलग टॉपिक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोल्जर जीडी के बेनिफिट और उसको लेके डाउट्स को। कई लोग बोलते हैं कि सर, सोल्जर जीडी में हम क्यों भरे, हम टेक्निकल में भरे या एसकेडी में भरे या एनए में भरे। फ्रेंड्स, आपकी जिसमें एबिलिटी है आप उसमें भरें, लेकिन आप सोल्जर जीडी जो रैंक है उसको कभी कम ना आकें। वो इसलिए ना आकें, आज की वीडियो में पूरा आपको डिटेलमेंट से बनाऊंगा कि सोल्जर जीडी में जाने के बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सोल्जर जीडी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज सबसे एडवांस, सबसे फॉरवर्ड या सबसे तेज, अचूक या जो इसके लिए शब्द यूज करूं वो भी कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एक सोल्जर जीडी ट्रेड होता है वो मेन फ्रंट फुट का होता है। यानी कि जो, जैसे आपने देखा होगा, मैं बार बार आपसे एक शब्द बोलता हूं कि सोल्जर जीडी यानी कि T20 का ओपनर बल्लेबाज जो ताबड़तोड़ पालियां खेलता है, कुछ वैसे ही ट्रेड जीडी का है। इसमें आपको सबसे ज्यादा एडवेंचर, सबसे ज्यादा आपको ग्राउंड लेवल पे काम करने का एक्सपीरियंस और सबसे ज्यादा आपको हर चीज में या हर फील्ड में मौके मिलते हैं। सोल्जर जीडी को मैं आपको तीन मेन पार्ट में समझाता हूँ। पहला फिजिकल, सेकंड मेंटल और थर्ड फाइनेंशियल। तो तीनों चीज में ये औरों से मुझे थोड़ा सा बेस्ट लगता है। वो कैसे लगता है, आपको वीडियो आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए आज की जो वीडियो है उसको मैं आपको सात पार्ट्स में समझाऊंगा, सात शॉर्ट पार्ट में समझाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखें तो आपको सोल्जर जीडी का काम, सोल्जर जीडी के बेनिफिट्स, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड, जो सोल्जर जीडी का जो मैंने पोर्शन रखा हुआ है वो सात पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है उसका वैकेंसी का, और सेकंड पार्ट है उसका फिजिकल एक्टिविटी का, थर्ड पार्ट है उसका एनएसजी का, चौथा पार्ट है आपका पैरा एसएफ कमांडो का, फिफ्थ पार्ट है आपका आरआर का, और सिक्स्थ पार्ट है आपका हवास का, सातवां पार्ट है उसका फाइनेंशियली का। इस मतलब उसमें मैं सारी चीज़ कवर कर दूंगा, आपका मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल, तीनों चीज़ सातवें पॉइंट में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट, और पहला पार्ट है वैकेंसी का। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा भर्तियों में जितनी भी टोटल वैकेंसी आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी सोल्जर जीडी की आती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो जब तक आपकी एज 21 है, अगर आप में, हाँ, जिसका एम ही क्लर्क बनने का है या जिसका एम ही नर्सिंग असिस्टेंट बनने का है या जिसका एम ही टेक्निकल में जाने का है, वो तो उसमें जाएं। लेकिन जिसका एम आर्मी में आने का है, तो मेरे हिसाब से जब तक उसकी एज 21 है सबसे पहले उसको जीडी के लिए ट्राई करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीडी में आपके लाइफ आपके थम जाए, जीडी तक ही रहता है, ऐसा नहीं है। जीडी में आने के बाद आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर निकलने की या ग्रो करने की। वो कैसे, ये वीडियो में आपको मैं बताते रहूँगा आगे। पॉइंट नंबर टू, फिजिकल एक्टिविटी। देखा होगा आपने बाकी जैसे जो और ट्रेड्स हैं उनका, किसी का जो पेपर वर्क ज़्यादा रहता है, या जैसे एसकेटी हो गया और आपका सोल्जर टेक्निकल हो गया, या इनकी अपेक्षा जो भी सोल्जर एनए हो गया, इनकी अपेक्षा एक जीडी वाले का ग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। जिस कारण क्या होता है, वो ग्राउंड में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि नाना प्रकार के कोर्सेज आते हैं, कभी कमांडो कोर्स, कभी घातक कोर्स, कभी कभी उसके बाद में आपने T20 तो सुना होगा, अपने आर्मी में 20-20 भी चलता है, यानी कि 20 किलोमीटर रन और 20 किलो वेट के साथ में। नॉर्मल 5 किलोमीटर रन तो हर ट्रेड के लिए होता है, जो BPT बोलते हैं या फिजिकल ट्रेनिंग जिसकी जो होती है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपने देखा होगा आर्मी में 20-20 भी चलता है, यानी कि 20 किलोमीटर का रन और 20 किलोमीटर वेट, मतलब उसके लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है। पहले कॉम्पिटिशन तो एक दिन होता है, लेकिन एक महीने से तैयारियां होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये आपकी शरीर की एबिलिटी को इतना बढ़ाता है, क्या बताऊं। यानी कि अगर आप जीडी में जाते हैं तो वाकई में एक नॉर्मल सोल्जर और एक जीडी का आपको बिल्कुल ड्रेस कोड में पता चल जाएगा, उसकी बैरिंग में पता चल जाएगा, और उसकी जो चलने की चाल डाल होगी उसी में आपको समझ में आएगा बंदा सोल्जर जीडी का है। तो पूरा इस पॉइंट का निचोड़ ये है कि फिजिकल एक्टिविटी के आपको काफ़ी मौके मिलते हैं, चाहे वो माउंटेन वेलफेयर का हो, एक्सपेडिशन का हो, एडवेंचर का हो, या और भी कुछ। फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट में बात करें तो हम करते हैं एनएसजी की। आज हर युवा का सपना एनएसजी में जाने का होता है, पैरा एसएफ में जाने का होता है। तो फ्रेंड्स, अपनी एनएसजी में जो आर्मी की जो डिवीज़न होती है उसको बोलते हैं SAG, यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप। मैंने एनएसजी को लेकर एक वीडियो बनाई हुई है जो आप मेरे आई बटन में भी देख सकते हैं।
तो जो एनएसजी है, एनएसजी में अपने इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसमें पैरामिलिट्री का होता है स्पेशल रेंजर ग्रुप, उनका डिवीजन अलग होता है, और आर्मी का होता है स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसमें हाईजैकिंग, काउंटर इंसर्जेंसी और आपका जो ये ऑपरेशन या कोई खास मिशन जो लॉन्च होते हैं, या बम डिस्पोजल टीम, या जो आईडी डिटेक्ट करती है वो टीम। तो उसमें देखो, उसमें क्या होता है कि अगर आप एनएसजी की बांट करें तो बाकी जो एक नॉर्मल ट्रेड्स के बंदे होते हैं उनकी अपेक्षा एनएसजी में जीडी वालों के चांस ज़्यादा आ जाते हैं। एक नॉर्मल ट्रेड और एक जीडी वाले की वैकेंसी एनएसजी में ज़्यादा होती है। मैं आप उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे क्या होता है कि 100 आदमी या 120 आदमी में एक क्लर्क होता है, यानी कि एक क्लर्क होगा, यानी कि अगर 100 के कहीं पर स्ट्रेंथ होगी आर्मी की, तो वहाँ पर जो एक क्लर्क होगा वो उसका एक क्लर्क होता है, या बहुत ज़्यादा होंगे दो क्लर्क हो सकते हैं। लेकिन आप देखो, यानी कि 100 में दो का रेशियो या एक का रेशियो, यानी कि 100 को बेनिफिट है या दो को। अब अगर मैं बात करूँ पेमेंट की, तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्लर्क का पेमेंट भी वही है, जीडी का पेमेंट भी वही है, ट्रेड्समैन का पेमेंट भी वही है। पहले था फर्क, अब इन सब का पेमेंट इक्वल कर दिया गया हुआ है। एक दिन मैं इसको लेके अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि एनएसजी में भी आपको बाकी ट्रेड्स की अपेक्षा जीडी की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती है। फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट है इसका, पैरा एसएफ के लिए जीडी की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपको एक बात बता दूँ, जिस प्रकार एनएसजी है उसी प्रकार पैरा एसएफ है। पैरा एसएफ तो खैर मैं मतलब मुँह से बोलते ही मेरे को अंदर से वो फीलिंग आती है, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। पैरा एसएफ में जाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। पैरा एसएफ में क्या होता है कि आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, आपको इसमें भर्ती होने के लिए या तो पैरा रेजिमेंट में जाना पड़ेगा, या आपको किसी इन्फेंट्री यूनिट, और उसमें भी आपकी ट्रेनिंग के बाद में सिर्फ 3 साल, यानी कि आपकी सर्विस के 3 साल से पहले आपको पैरा एसएफ के लिए अप्लाई करना होगा, और वैकेंसी कम आती है। तो डायरेक्ट जॉइनिंग का तो यही है कि या तो आप पैरा रेजिमेंट के थ्रू आएँ, या ऐसे यूनिट वाइज आएँ। यूनिट वाइज आपको वॉलेंटियर्स होना पड़ेगा, वैकेंसी आती है उसमें फिर आपको भेजा जाएगा, अगर आपकी एबिलिटी है तो। क्योंकि आपको पता है कि पैरा एसएफ कमांडो, यानी कि आग में से निकला हुआ बिल्कुल तपा हुआ सोना, वो होता है पैरा कमांडो। पैरा कमांडो बनना बहुत टफ होता है, लेकिन अपने आप में एक बहुत गौरव की बात होती है। बलिदान बेस पहनना और मरून कलर की बैरेट पहनना। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि आप पैरा एसएफ में भी आप सिर्फ एक जीडी रैंक की वजह से ही जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप, या तो देखो, क्लर्क भी जाता है उसमें, लेकिन पैरा रेजिमेंट से ही जाते हैं बंदे क्लर्क के लिए, और लेकिन जीडी में थोड़ा अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिल जाती है जाने की कहीं से भी। फिफ्थ पार्ट है आपका आरआर का। आरआर मतलब राष्ट्रीय राइफल, जो आप देखते हो। मैं भी ये बैच पहनता हूँ, मैं भी आरआर, जब मैं आरआर में था, ये आरआर में नौकरी करने के बाद में मिलता है। तो आरआर में भी, आरआर क्या होते हैं, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फोर्स है, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय राइफल्स, और ये एंटी टेररिस्ट के खिलाफ लड़ती है। और इसमें नौकरी करना भी वाकई में बहुत गौरव की बात है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा चांसेस जीडी वाले को मिलते हैं। मतलब वही कि जैसी स्ट्रेंथ और उसी मुताबिक ट्रेड्समैन या क्लर्क या टेक्निकल आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेशियो उसमें जीडी वालों का ही होता है। क्योंकि आपने ऑपरेशन करना है, काम करना है, ऑपरेशन कंडक्ट करना है, तो उसके लिए जो स्ट्रेंथ होती है वो जीडी की ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, छठा पॉइंट है हवास का। हवास में, यानी कि वाइट डेविल्स भी बोलते हैं इनको, आपने देखा होगा ले सोनामार्ग, या जो कश्मीर वैली में, या बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन जो स्नो में चलते हैं, यानी कि हिम में, बर्फ में जो चलते हैं, वो हवास कंडक्ट करता है। और इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा मौके जीडी ट्रेड से जाने के मौके मिलते हैं आपको। फ्रेंड्स, सातवां पॉइंट जो है वो टोटली पूरा एक निचोड़ है कि इसमें आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली किस प्रकार आपको बेनिफिट मिलता है। मेंटली आपको इस प्रकार मिलता है कि आपने देखा होगा हम पढ़ते हैं, यानी कि अगर हम तो कोई पेपर वर्क करते हैं, रिटर्न लिखते हैं, उसके मुकाबले या हमें याद करना होता है। आपने भी देखा होगा जब आप स्टूडेंट लाइफ में रह रहे हो, आपको पढ़ाई भी करनी है, खेलना कूदना भी है, दौड़ना भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इन्जॉय किस में आता है? अधिकतर लोगों को खेलने कूदने में या एडवेंचर में मज़ा आता होगा, पढ़ने में बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट रहता होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा क्या होता है कि पढ़ाई में रुचि कम होती है, रुचि का मतलब एक इन्जॉय थोड़ा कम आता है, लेकिन अगर हम बात करें गेम्स की या कोई ग्राउंड वर्क्स की, तो उसमें और मज़ा आता है, एडवेंचर बढ़ जाता है। तो इससे आपको एक मतलब मेंटली बेनिफिट्स मिलता है, मतलब आपका दिमाग संतुलित रहता है और अच्छी एक्टिविटी रहती है, तो और माइंड फ्रेश रहता है, उससे दबाव नहीं बढ़ता, प्रेशर कम होता है और बॉडी सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, जिस कारण आपका बॉडी में रक्त संचार जो होता है आपका सही मात्रा में होता है,
और शरीर में लगने वाले रोग दूर होते हैं। जितना आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना आप रोगों से दूर रहोगे, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोई भी बीमारी, चाहे ओवरवेट की बीमारी हो, चाहे किसी को ओबेसिटी की हो। तो आपने देखा होगा जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी रखोगे उतना आप रोगों से दूर रहोगे। फ्रेंड्स, इसी क्रम में अब थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल का। देखो फायदा क्या होता है कि आप देखो आप एक नॉर्मल रूटीन में रहो, एक नॉर्मल आप ड्यूटी करो और बजाय आपको एक स्पेशल जगह जाने का मौका ज़्यादा मिले, जैसे आरआर, एनएसजी, पैरा कमांडो। तो इनमें क्या होता है कि एक नॉर्मल सोल्जर की अपेक्षा इन स्पेशल फोर्स का अलाउंसेस अलग मिलता है, यानी कि कहीं कहीं पर तो 16,500 से लेकर 20,000 रुपये तक अलाउंस मिलता है, मतलब पेमेंट छोड़ के एक्स्ट्रा अलाउंस। तो उनको एक बेनिफिट हो जाता है, एक फाइनेंशियल बेनिफिट, और भी अपेक्षा इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट आप लोगों को और भी मिलता है। तो फ्रेंड, मेरा पूरा टॉपिक समझाने का मतलब यही था कि जी ट्रेड बहुत शानदार ट्रेड है और मतलब बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलने का मौका मिलता है और एडवेंचर भरा ट्रेड है। अगर आपने पर्टिकुलर एनए बनना है तो आप एनए में जाएं, पर्टिकुलर आपने मशीनरी वर्क या टेक्निकल वर्क सीखना है तो आप टेक्निकल में जाएं, और अगर आपका मतलब ज़िंदगी जिंदा दिल जीने का है और कुछ अलग से कुछ तूफानी करने का है तो जी डी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और ऐसा नहीं है, जी डी में बहुत सारे मौके मिलते हैं आपको पढ़ाई के। आर्मी बहुत डिसिप्लिन संस्था है, यहाँ आपको अगर पढ़ने के कोर्सेज के, आप लोगों को कमांडो कोर्स बताता है, आप लोगों को अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो तो आर्मी आजकल अपनी आर्मी एजुकेशन कोर है वो आपको पढ़ाती है, प्लस एक जवान से अफसर बनाती है, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग क्लासेस सारी दी जाती है, वो हमको एचआरडीसी डिपार्टमेंट देता है। एचआरडीसी अपना आर्मी का, जिसको एसी यानी कि आर्मी एजुकेशन कोर कंडक्ट करती है। इसमें कभी फुर्सत से और वीडियो बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल मेरा पूरा ध्यान पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को लेके मैं बना रहा हूँ दोस्तों, और वीडियो बहुत सिंपल, बहुत अच्छा और बहुत सब लोगों की समझ में आ जाए, मतलब इतना अच्छा बना रहा हूँ, उसमें काफ़ी काम कर रहा हूँ, अब देखता हूँ कब तक तैयार होता है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।